राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल में हुई पिटाई की वजह से बच्चे की मौत हुई है, जबकि अभिभावकों के इस आरोप से स्कूल इनकार कर रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके के जेडी शास्त्री पब्लिक स्कूल के लोअर केजी का छात्र कातिब बुधवार को स्कूल तो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। परिवार वालों को उसकी लाश सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से बच्चे की मौत हुई है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे की पिटाई की गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने फेस के लालच में बच्चे को बुला लिया था, स्कूल खोल दिया उन्होंने। क्यों पीटा बच्चे को? बच्चे को खाना वाना खा रहा था, उसने पानी मांगा जी, उसको पानी नहीं दिया, उनका जाके ऊपर बैठ क्लास में धमकाया उसको। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि बच्चे का एक बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन बच्चे के परिवार वाले दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। बच्चे का अंतिम संस्कार हो चुका है, ऐसे में अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो इसके लिए लाश को कब्र से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन की सहमति चाहिए। इस संबंध में और जांच की जा रही है और उनकी तरफ से जैसे ही शिकायती प्रार्थना पत्र मिलेगा मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में लगातार हो रहे शीतलहर के कारण गाजियाबाद के DM ने 14 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके स्कूल को बंद नहीं किया गया। पिता का आरोप है कि फीस वसूली के चलते स्कूल प्रशासन ने DM के आदेश की नाफरमानी की है, जबकि स्कूल का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ स्टाफ के लिए खुला हुआ था। स्टाफ सिर्फ काम करने के लिए कि पेपर वगैरह हुए थे बच्चों के, 30 तारीख में हमारा लास्ट पेपर था, उसके बाद रिजल्ट वगैरह तैयार करने के लिए। ये तो हम भी खुद ना समझ हैं कि भी ऐसा क्या हुआ बच्चों को कि बच्चा ऊपर गया और जाते के साथ गिर गया। DM के आदेश के बाद स्कूल का खुला रहना और फिर एक बच्चे की मौत और परिवार वालों का स्कूल पर आरोप कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर इस मामले की तफ्तीश कर रही है। गो न्यूज़ के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।